नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिप्टो विद एस बी में। और यकीन मानिए, क्रिप्टो विद एस बी मतलब जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे तो जरूर बनेगा पैसा। और मेरे वह दोस्त जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, उनको बता दूं मेरा नाम सुशांत बख्शी है। कोशिश करता हूं क्वालिटी कंटेंट बनाने की, और आज भी डिस्कस करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में कि क्या क्रिप्टो में आपका पैसा सेफ है, सेफ है कहां तक सेफ है, क्योंकि मेरे काफी दोस्त जो है हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। उनको लग रहा है कि क्रिप्टो में सिर्फ पैसा डूबता है। वैसे भी जो मैं फोन पे अब अपने दोस्तों से बात कर रहा हूं, तो मेरे को भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिल रही हैं, और कई लोगों ने इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपनी क्रिप्टो में कर दिया है कि उनको लगता है क्रिप्टो ही सब कुछ है, क्रिप्टो उनकी जिंदगी बदल सकता है, और क्रिप्टो बदल भी सकता है। लेकिन दोस्तों, जो 2020 से पहले का दौर था, वो दौर अब जो है आगे वाले समय में आपको देखने को कम मिलेगा। इससे पहले का जो दौर था, उस पर इतनी ज्यादा बातें रेगुलेशंस को नहीं लेके होती थी, जो अब होनी शुरू हो चुकी हैं। और अब जिस तरह से काफी सेंट्रल बैंक्स ने, काफी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक ने अपनी क्रिप्टो करेंसी बनाने के लिए जो है प्रयास शुरू कर दिए हैं, उससे कहीं ना कहीं जो करेंसीज मार्केट में चल रही हैं, उन पे आने वाले समय में शायद वो रिटर्न ना मिले जो रिटर्न हमने पिछले सालों में देखी है। बिटकॉइन, इथीरियम, ये कुछ केस हो सकते हैं, और बिटकॉइन बादशाह है। जब ये चलेगा तो बाकी करेंसीज भी चलेंगी। लेकिन आज जिस बात पे हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है तो कितनी है, और क्या आने वाले समय में नुकसान हो सकता है तो कितना हो सकता है। इंपॉर्टेंट ये है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल क्रिप्टो विद एसबी में कुछ दिन पहले एक अपडेट भी किया था कि न्यूज़ आई थी कि वजीरेक्स के जो फाउंडर हैं, जो मालिक हैं, वो दुबई अपनी फैमिली के साथ सेटल हो गए हैं। इसका क्या असर हो सकता है? सेकंड थिंग, एमवे इंडिया ने हाल ही में, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एमवे इंडिया की जो है सारी प्रॉपर्टी जो है अटैच कर दी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का मानना है कि वो एक एमएलएम पायरामिड स्कीम चला रहे हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम बिल्कुल चला रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, आप सभी जानते हैं कि प्रोडक्ट के दाम कहीं से कहीं है, और झांसा दिया जाता है कि ये पैसा बनेगा, उतना पैसा बनेगा। तो उस पे थोड़ा सा आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा कि क्या हुआ है, और वजीरेक्स, इसको क्या जरूरत पड़ी, इनके मालिक को क्या जरूरत पड़ी इंडिया छोड़ के जो है विद फैमिली दुबई जो है सेटल हो जाए। और अगर ये खुद सेटल हो गए हैं, तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वजीरेक्स में, वो किसके भरोसे छोड़ के गए हैं? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का केस इन पे भी चल रहा था, आने वाले समय में उस पे उनको अंदेशा हो कि कुछ बुरा हो सकता है, और वो तो खुद भाग लिए और मेरा आपका पैसा जो है वो रोक दिया। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, विजय माल्या जब विदेश में भागा, तो वो आपको पता है उनकी कंपनियों का क्या हाल हुआ है। एनफोर्समेंट डायरेक्ट ने उनकी सारी प्रॉपर्टीज अटैच कर ली, जो उनके शेयर होल्डर थे उनके हिस्से में आई जीरो वैल्यू। सरकार वैसे भी कहती है, जी हाँ, सरकार वैसे भी जो है बार बार आगाह करती है कि क्रिप्टो में जो निवेश है ये रिस्की है। रिस्की मतलब अगर कल को इनके सेट्स फ्रीज होते हैं तो उसमें हम सरकार को जो है दोष नहीं दे सकते, क्लेम नहीं कर सकते। वैसे भी मैं एक दोस्त से बात कर रहा था, वो सरकार को काफी कोस रहा था कि देखिए सर, यहां पे ये चीज है, यहां पे ऐसा है, सरकार क्रिप्टो के पीछे पड़ गई है। देखो, वो तो एक सरकार का प्रेरोगेटिव है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्या हम अपने आप को सेफ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कहां पे सेफ कर सकते हैं और अपने सेट्स के साथ क्या करना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जो 2019-2020 के पहले का दौर था, वो दौर शायद आपको आने वाले समय में देखने को ना मिले, क्योंकि आज से 2-3 साल पहले क्रिप्टो के बारे में बातें कम होती थी, इन्वेस्टमेंट होती थी, प्रोजेक्ट रन करते थे। अब हर सरकार जो है क्रिप्टो पे जो है एक रूलिंग लेके आ रही है। मैक्सिमम सेंट्रल बैंक जो है अपनी करेंसी पे काम कर रहे हैं। क्रिप्टो का मतलब क्या है? क्रिप्टो का मतलब है आदान प्रदान करना, कि आप जो है हैसल फ्री ट्रांजैक्शन कर सको, और इसके लिए सरकारें क्या कर रही हैं, अपनी सेंट्रल बैंक की करेंसी ला रही हैं। दूसरी बात, एक चीज मैंने और बोली थी कि जो ट्रांजैक्शन टैक्स है, जो टीडीएस है, वो सरकार ने इसलिए लगाया है कि सरकार को पता चल सके कि कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है। ये भी आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं लेटर ऑन पार्ट में ये
आपको बताऊंगा कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इस चीज को एक्नॉलेज किया। तो अगर क्वालिटी कंटेंट आपने देखना है, अगर आपने देखना है, डीकोड करना है, तो ये एक भरोसेमंद चैनल है। अगर फर्स्ट टाइम मेरे साथ जुड़े हो तो जो मेरा ट्विटर हैंडल है, फेसबुक पे है, क्रिप्टो विद एसबी हर सोशल मीडिया पे प्रेजेंट है, आप फॉलो कर सकते हो और हो सकता है भविष्य में अच्छा फायदा भी देखने को मिले। तो अब मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा कुछ पैरामीटर्स की तरफ, कुछ न्यूज की तरफ, वहां से आपको समझाने की कोशिश करूंगा आने वाले समय में क्या हो सकता है, अब आपको अपने पैसे के साथ क्या करना चाहिए, अपने वजीरेक्स अकाउंट के साथ क्या करना चाहिए, और क्या बाइनेंस सेफ है। सबसे बड़ी बात है, मेरे काफी दोस्त पूछ रहे थे कि क्या सर बाइनेंस सेफ है, उस पर भी करूंगा चर्चा। चलते हैं पहले न्यूज पे, देखते हैं कि न्यूज किस तरह की है। अब दोस्तों आपको इस खबर पे ध्यान देना चाहिए, एमवे जो सबके लिए क्या है, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, सरकार इसको एक पैरामिड स्कैम का नाम दे रही है, और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 758 करोड़ के इनके जो असेट्स हैं उनको अटैच कर लिया है। तो द ईडी इशूड ए प्रोविजनल ऑर्डर अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट फॉर अटैचमेंट ऑफ असेट्स वर्थ रुपीज इतने करोड़ बिलोंगिंग टू एमवे इंडिया। तो ये एक आई ओपनर है कि अगर किसी काम में सरकार को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, और आप सभी जानते हो कि एमवे के प्रोडक्ट्स कितने महंगे थे, क्या था, और बड़े बड़े सपने दिखाए जाते थे, सरकार कहती है कि इसमें चंद लोगों को फ़ायदा हो रहा है और बाकी सारे क्या हैं, गलत काम है। अब क्या हुआ है, कैसे हुआ है, मैं इसको जो है तवज्जो नहीं देता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, रनिंग ए मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम। द प्रोब एजेंसी फर्दर सेड द कंपनी इज अक्यूज्ड ऑफ रनिंग ए मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि कितने लोगों की जो है वो आशाओं पे पानी फिर गया। अब सेकंड आपको जो है ये खबर आनी चाहिए कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एमवे सेट्स क्यों अटैच किए, ये दूसरी न्यूज है सीएनबीसी टीवी 18 पे, सेम यहां पे भी यही हवाला दिया गया है। द इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैज अटैच बैंक बैलेंसेज वर्थ रुपीज 345 करोड़, 36 बैंक अकाउंट एंड इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टीज वर्थ रुपीज 411 करोड़ अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड पीएमएलए। अब यहां से मैं अब आपको लेके चलूंगा वजीरेक्स के नवीन निश्चल की स्टोरी पे। यहां पे ये बताते हैं कि वजीरेक्स को फाउंडर निश्चल शेट्टी क्लैरिफाइज ऑन क्वेरीज अबाउट ट्रांजिशनिंग आउट। यहां पे इन्होंने बताया है कि क्या है, लेकिन ये स्टोरी पुरानी है कि जब फरवरी में भी एक अफवाह उठी थी कि ये बाहर निकल गए हैं, तो तब इन्होंने बोला था कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक्टिव ऑपरेशंस में अभी हूं। अब इसके साथ इस ब्रेकिंग न्यूज पे आपको ध्यान देना चाहिए, वो 3-4 दिन पहले की है, वजीरेक्स सीईओ निश्चल शेट्टी को फाउंडर, मतलब मालिक भी निकल गया, को फाउंडर दोनों निकल गए, सिद्धार्थ मेनन शिफ्ट बेस टू दुबई। द डेवलपमेंट कम्स एमिडस्ट इंडिया इंपोजिंग ए 30। अब दोस्तों 30% टैक्स वो इनके ऊपर नहीं लग रहा, वो 30% टैक्स लग रहा है मेरे और आप जैसे इन्वेस्टर्स के ऊपर। प्रॉफिट पे हमें 30% देना है, जो एक्सचेंज से जिसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो फर्क पड़ेगा तो इन्वेस्टर पे पड़ेगा, तो इनका जाने का क्या मतलब है, ये एक सोचने वाली बात है। और 1% टैक्स जो है वो डिडक्ट होगा। तो क्या ये अब ये इंडियन एक्सचेंज है, अपने आप को कहते थे, अब वजीरेक्स ने इनको एक्वायर किया हुआ है। जब ये सारी चीजों पे आप ध्यान दोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि कहीं ना कुछ गोलमाल है। ये बिना बताए हुए, बिना किए हुए अपने परिवार को तो लेके चले गए, और जो करोड़ों इन्वेस्टर्स जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू, उनको बीच में छोड़ दिया। अब ये जो मर्जी बोले, लेकिन जब एमवे की आपने देखा कि कैसे असेट्स रातों रात फ्रीज हो गए, वैसे इनके साथ क्या होगा कोई अभी पता नहीं है। और जून लास्ट ईयर में जब इनके फेमा के उल्लंघन के लिए 2790 करोड़ का जो है क्रिप्टो करेंसी डील्स पे अभी तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई, शो काज नोटिस पेंडिंग है। अब क्या हुआ है उसकी अभी कोई नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है। आप यहां पे देखिए कि ईडी सेंड्स शो काज नोटिस टू वजीरेक्स, जो अभी मैंने बात किया। अब यहां से चलते हैं सीतारमन जी, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनका क्या कहना है। निर्मला सीतारमन लेटेस्ट स्टेटमेंट ऑन क्रिप्टो करेंसी टैक्स, हियर इज वाई गवर्नमेंट इम्पोज 30% क्रिप्टो टैक्स एंड 1% TDS। वो कहते हैं 1% TDS सिर्फ इसलिए लगाया कि जो मैंने आपको पहले भी बताया, आवर दैट देर इज 1% टैक्स एट विच इज ऑल्सो इम्पोज सो दैट
सो थ्रू दैट वी विल बी एबल टू नो हु इज बाइंग एंड हु इज सेलिंग इट, खरीद और बेच कौन रहा है, ये यहां से पूरा हो जाएगा। और 30% टैक्स जो है वो क्रिप्टो सेट्स पे है। और सरकार ये भी कहती है, उनका ये मानना है कि हमने टैक्स लगाया इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इसको लीगल कर दिया। तो मेरे काफी दोस्त जो है वो अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, हर चीज को वो इग्नोर कर रहे हैं। और अगर इग्नोर कर रहे हो कल को नुकसान हो जाएगा, तो फिर किसी को दोष मत देना, फिर ये नहीं बोलना किसी ने आगाह नहीं किया था। मैं तो कहता हूं कि इस पे सब कुछ जो है क्लियर हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी आ जाए। लेकिन जब तक यूएसए ने दूध का दूध पानी ना पानी नहीं किया, जब किसी कंट्री ने आज तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं किया, तो हमारे यहाँ पे इतनी जल्दी हो जाएगा इसकी अभी जो है मुझे आशा नहीं है। और जिस चीज़ की आशा नहीं है, वहाँ पे अगर मैं अपना सारा फंड डाल दूँ, सारा पैसा डाल दूँ और कल को सारे का सारा डूब जाए, तबाह हो जाए, और उसके बाद मैं रोऊं, तो इसके लिए कहावत है, इट इज़ ऑफ नो यूज टू क्राई अवर स्पिल्ट मिल्क, कि एक बार दूध गिर जाए उसके बाद पछताने से कुछ नहीं होता। उबाल आया, टाइम पे जो है उसको बचाओ, ए स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। अगर आज आपको मुनाफा हो रहा है बचा लो, नहीं हो रहा असेट्स को जो है किसी और एक्सचेंज पे ले जाके वहां पे होल्ड करो। बट अभी वजीरेक्स जो है मुझे एक डाइसी केस लग रहा है, इसलिए मैं सभी को सजेशन देता हूं, जल्दी से जल्दी अपना फंड यहां से जो है ट्रांसफर कर लो किसी अच्छी एक्सचेंज पे जहां पे आपको सेटिस्फाई हो। अब आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि क्या मार्केट में चल रहा है, क्या आने वाले समय में हो सकता है। और मेरे भाई दोस्त जो समझते हैं कि बाइनेंस सेफ है, उनको एक बात बता दूं, अगर गाज गिरेगी, अगर टिकटॉक बैन हो सकता है, अगर चाइनीज ऐप्स बैन हो सकती हैं, तो फ्यूचर में वजीरेक्स का जो रिलेशन है ये बाइनेंस के साथ है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। वजीरेक्स का जो मेन जिसको एक्वायर किया है वो बाइनेंस है, और आने वाले समय में अगर वजीरेक्स पे कोई गाज गिरती है तो इनडायरेक्टली बाइनेंस पे भी वो गाज गिर सकती है। बाइनेंस के ऑपरेशंस भी जो है वो फ्रीज किए जा सकते हैं, बाइनेंस भी जो है ब्लैक लिस्ट में इंडिया में डाली जा सकती है। आज का मुझे पता नहीं, फ्यूचर का मैं बोल नहीं सकता, मैं सिर्फ एक लिंकिंग करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कभी निश्चल शेट्टी या उसके ग्रुप की वजह से वजीरेक्स को कोई दिक्कत आती है, अब ये जितना मर्जी बोलते रहे हम रिमोट ऑपरेशंस कर रहे हैं, हम 70 लोकेशंस पे कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं, सरकारों को ये चीज नहीं चाहिए, उनको सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए। और जहां पे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होगा, जहां पे उनको लगेगा कि कहीं कुछ गोलमाल है, तो वो क्या कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के असेट्स फ्रीज कर सकते हैं, उसमें आपके असेट्स भी हो सकते हैं। अगर एक चीज आपने देखी, अगर बैंक को रोका जा सकता है जहां पे सब कुछ लीगल है, तो जहां पे सरकार बार बार आपको चेतावनी दे रही है उसके बावजूद अगर हम रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और कल को अगर सरकार इनके सेट्स फ्रीज करती है, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरे को आपको जो है वो नुकसान हो सकता है। तो अपने सेट्स को हमें क्या करना चाहिए, उस एक्सचेंज पे, इंडियन एक्सचेंज पे, एक बात और समझिए, उस इंडियन एक्सचेंज पे रखना चाहिए जो सेफ है। सेफ कौन सी है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं फिर किसी दिन वीडियो पे चर्चा करूंगा कि सेफ कौन सी है जिसको मुझे लगता है कि प्रॉब्लम अगर सबको हुई उसको कम प्रॉब्लम होगी। वैसे भी कॉइन स्विच कुबेर और जो बाकी जैप पे हैं, ये कुछ इनका अभी यूपीआई के साथ भी दिक्कत चल रही है, यूपीआई से पेमेंट का भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मैं पीछे देख रहा था मैक्सिमम न्यूज में भी कवर हो रही है। और वैसे भी मीडिया वालों को अपनी एडवर्टीजमेंट चाहिए, इसीलिए कॉइन स्विच कुबेर की काफ़ी ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट मैं उस एक्सचेंज के साथ भी सरोकार नहीं रखता, मुझे कभी सेटिस्फाई नहीं हुआ मैं उस एक्सचेंज से। तो आप किस एक्सचेंज को के साथ सेटिस्फाई हो वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब आपको अपने सेट्स कैसे कहां पे रखने चाहिए, हार्डवेयर वॉलेट में रखने चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हो, ट्रेडर हो, मेरी बात ध्यान से समझिए, ट्रेडर हो तो बाइनेंस इज बेस्ट। बाइनेंस जैसा प्लेटफॉर्म, बाइनेंस जैसी लिक्विडिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी अगर आप ट्रेडिंग करते हो। अगर इन्वेस्टमेंट है, अगर आपने निवेश करके रखा है, तो दोस्तों अगर आपका प्रॉफिट में हो तो कम से कम आज की डेट में आपको 50-75% जो अपनी मनी है वो विड्रा कर लेनी चाहिए। नुकसान में हो तो वेट करो, जब कभी 2 महीने 4 महीने 6 महीने में उछाल आता है, अपनी इन्वेस्टमेंट का मैक्सिमम पोर्शन निकाल के मिनिमम जो है वो क्रिप्टो में रखो, इस उम्मीद से कि शायद ही आपका फ्यूचर जो है चेंज कर सकता है। आपको अगर पैसा बनाना है, पैसा बढ़ाना है, तो उस इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाना चाहिए जो लीगलाइज है। जी हां, जो लीगल है, लीगल तरीके से पैसा बनाओगे काफी पैसा बना सकते हो। और अगर जहां पे सरकार बार बार चेतावनी दे रही
दे रही है, उसी रास्ते पे चलोगे तो किसी दिन जबरदस्त एक्सीडेंट भी हो सकता है, और जिस दिन एक्सीडेंट हो गया उस दिन किसी को कोसना मत। इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो से आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूंगा। इसी के साथ वीडियो करता हूं खत्म, इस आशा के साथ कि वीडियो खत्म करने से पहले, वीडियो छोड़ने से पहले, आप मेरे को जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है क्रिप्टो विद एसबी के, वहां फॉलो करना नहीं भूलेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपको क्रिप्टो जर्नी जो है आपको आने वाले समय काफी ज्यादा रिजल्ट देखे जाए। नमस्कार, जय हिंद।